हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। स्टूडेंट्स, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में लार्ज सैंपल टेस्ट का पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहली मेथड लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी और दूसरी मेथड का ऑलमोस्ट पहला सम हमने किया था। और आज जो हम देखने वाले हैं उसमें हम सम नंबर सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले हैं 4, जिसमें वन टेल्ड टेस्ट का डेटा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कैसे पता चलेगा कि वन टेल्ड टेस्ट है, तो उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना है कंपैरिजन, सी फॉर क्लेम, सी फॉर कंपैरिजन, दोनों में से एक हिस्सा दिया जाए तो होती है वन टेल्ड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन वाला पार्ट है, पेज नंबर 28, एक्सरसाइज नंबर 2.2, स्कूल की फीलिंग आती है, एक्सरसाइज में नंबर ऐसे दिए हैं हमें। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कहता है, अ सैंपल ऑफ हाइट्स ऑफ 6400 सोल्जर्स हैज अ मीन ऑफ 67.45 इंचेस विथ स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी सब कुछ सैंपल से रिलेटेड दिया गया है हमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सम नंबर 4 हमारा जो है उसमें उन्होंने बताया हमें सोल्जर्स जो है वो 6400 हमें दिए गए हैं, और उसके साथ हमें बताया गया है कि मीन है 67.45, एस डी इज 2.56। यानी हम कहते हैं N1 इज इक्वल टू 6400। अब सोल्जर्स के लिए हिस्सा है तो यहाँ पे मैं खाली मेंशन करता हूँ एक हिस्सा ताकि पता चले, दूसरा सेलर्स का हिस्सा होगा। मीन यानी X1 बार हम कहते हैं, X1 बार जो है हमारे पास 67.45 एंड X2 बार जो है उसकी वैल्यू, सॉरी, हमारे पास S1 जो है वो है 2.56। उसी तरह से हमें डेटा दिया गया है आगे कि सैंपल ऑफ हाइट्स ऑफ 1600 सेलर्स हैज़ अ मीन, यानी N2 हम कह सकते हैं 1600 सेलर्स है जिसका मीन हमें दिया गया है, दैट इज 68.55। स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज 2.52। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि डू द डेटा इंडिकेट दैट द सेलर्स आर ऑन एन एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स। ठीक है, क्या सेलर्स की हाइट सोल्जर्स से ज़्यादा है, ये है उनका क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले H0 हमें पता है, सबसे पहले लेना चाहिए μ1 इज इक्वल टू μ2। H1 में हमें कंपेयर करना है X1 बार X2 बार को, जैसे हम X बार μ को कंपेयर करते थे पहली मेथड में। यानी मैं कहने वाला हूँ μ1 एंड μ2 के बीच में क्या होगी साइन, X1 बार इज लेस देन X2 बार, तो μ1 शुड बी लेस देन μ2। ठीक है, तो ये होगा वन टेल्ड टेस्ट। बीकॉम सेमेस्टर 6 में हम देख चुके हैं सम, आपके पास नोटबुक हो, मैं पहले भी कह चुका हूँ ऑलमोस्ट कुछ सम ही चेंज है, एक्स्ट्रा दिए गए, बाकी सब सेम टू सेम एग्जांपल्स हैं। तो X1 बार X2 बार की साइन कंपेयर करो और यहाँ पे साइन लिखो। ठीक है, नोट करना है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो X1 बार लेस देन X2 बार। फिर आता है हमारा डिफरेंस का स्टेप, यानी हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स, दैट इज 67.45 माइनस 68.55। और अगर डिफरेंस निकालते हैं तो इट इज़ एग्जैक्टली 1.1। तो हमारा डिफरेंस रेडी हो चुका है। मॉड्यूलस छः मानांक छः ध्यान रख जो पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ X1 माइनस X2 बार, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, फॉर्मूला याद है हमें, S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2। और अब हमें पढ़ने वाली है ज़रूरत हमारे कैलकुलेटर जी की। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं S1 स्क्वायर, S1 यानी 2.56 का स्क्वायर अपॉन N1, N1 यानी 6400 प्लस S2 स्क्वायर यानी 2.52 का स्क्वायर अपॉन N2। ठीक है, N2 यानी 1600। ठीक है, सो 2.56 का स्क्वायर करते हैं हम, सीधा उसे हम डिवाइड करेंगे बाय 6400, और वो जो आंसर है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.001024 आ रहा है। अभी दूसरा हिस्सा बाकी है, 2.52 का स्क्वायर करना है हमें, जो आंसर आए उसे हम डिवाइड करेंगे बाय 1600 एंड दैट इज 0.003969। सो टोटल मेल करना है अभी इन दोनों वैल्यूज का 0.00
1024 और टोटल होगा इसका 0.0049 इन द स्क्वायर रूट 0.0049993 एंड जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम दैट इज 0.0707 यू नो जेम्स बॉन्ड सो स्टैंडर्ड एरर भी रेडी है, हमारी डिफरेंस की वैल्यू भी रेडी है, तो आता है हमारा वेरिएबल जेड कैलकुलेटेड यानी डिफरेंस डिवाइडेड बाय इट्स स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे सम्स है, कॉन्सेप्ट में बदलता क्या है, डिफरेंस की फॉर्मूला और स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला अलग अलग मेथड्स में। सो 1.1 डिवाइडेड बाय 0.0707 सो अल्टीमेटली 1.1 अपॉन 0.0707 कहते हैं अगर हम तो इट इज 15.56 अप्रॉक्सीमेटली मिलता है हमें ये आंसर। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या उन्होंने बताया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो नहीं। ठीक है, उन्होंने नहीं पूछा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है, ना दिया जाए तो एज यूजुअल तो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर वन टेल्ड टेस्ट, याद है हमें वन टेल में वैल्यू कौन सी होती है, आपको याद रह ही जाती है वैसे, तीन चार सम करते हैं तब z tabulated is 1.645 and therefore we can say that z calculated is greater than z tabulated, that means H0 is rejected. Last time पहले सम में जब हमने किया था उसमें accepted आया था तो हमने लिखा था population means are equal, यहाँ पे हम not equal नहीं लिख सकते क्योंकि question में क्या है μ1 यानी soldiers वाला part है, μ2 यानी second जो part है वो sailors वाला है, soldiers की height sailors से कम है, यानी क्वेश्चन जो उनका था कि द सेलर्स आर ऑन एन एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो H0 रिजेक्ट हो यानी ये सही है, सोल्जर की हाइट कम सेलर्स की हाइट ज़्यादा, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर सेलर्स आर टॉलर देन सोल्जर्स। खास ध्यान रखना है, इंटरप्रिटेशन थोड़ा बेटरली समझ के करना है, सोल्जर्स की हाइट कम है सेलर्स की हाइट ज्यादा है, यहां पे हम वही मेंशन कर रहे हैं सोल्जर्स की हाइट कम सेलर्स की हाइट ज्यादा, और वही हम लिख रहे हैं सेलर्स आर टॉलर देन सोल्जर्स। ठीक है, तो ये एक वन टेल टेस्ट वाला एक सम था क्वेश्चन नंबर 4, सेम इसके जैसा ही एक सम आपको करने का मौका मिलेगा ही। ठीक है, वो है 6 नंबर का सम जिसमें मैन एंड वुमेन वाला पार्ट है, तो वो मैं होमवर्क में आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, सम नंबर अभी हम देखने वाले हैं 3, जिसमें नया क्या है, तो नया दिया गया है वहाँ पे σ1 एंड σ2, बाकी टेल जो है उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अभी हम देखते हैं कि वन टेल्ड है या टू टेल्ड टेस्ट आता है वहाँ पे, उस हिसाब से हम बाकी का काम करेंगे। ठीक है, सो सम नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अ कॉलेज कंडक्ट्स बोथ डे एंड नाइट क्लासेस इंटेंटेड टू बी आइडेंटिकल, दो टाइप के क्लासेस है। ठीक है, डे क्लासेस एंड नाइट क्लासेस, इवनिंग क्लासेस भी बोल सकते हैं। अ सैंपल ऑफ 100 डे स्टूडेंट्स यील्डेड द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, सैंपल दिया गया है यानी n1 = 100 n1 = 100। ठीक है, उसके बाद उन्होंने x1 बार दिया है 72.4 एंड σ1 लिख के दिया, इसीलिए हम सिग्मा यूज करेंगे। सिमिलरली n2 जो है वो 200 नाइट स्टूडेंट्स है, x2 बार जो है 73.9 एंड σ2 है वो है 17.9। कहानी का ट्विस्ट खाली यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन में परसेंटेज देखो, आर द टू मीन्स स्टेटिस्टिकली इक्वल एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, 10% में टू टेल की वैल्यू है 1.645 एंड वन टेल की वैल्यू है 1.282, और क्वेश्चन में यहाँ पे टू टेल ही होगा यानी वैल्यू हमें यूज करनी है 1.645, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टू टेल्ड टेस्ट। एग्जाम में जनरली ब्रैकेट में वैल्यू दे ही देते हैं, मगर अगर ना दे तो आपको याद रखने की जरूरत पड़ सकती है, चांसेस यूनिवर्सिटी एग्जाम में 0% की वो वैल्यू ना दे, यानी एग्जाम में तो वो देंगे ही। ठीक है, शायद इंटरनल कॉलेज की एग्जाम्स हो उसमें अगर ना दे दैट इज ओके, अदरवाइज यूनिवर्सिटी तो देती है वैल्यू। ठीक है, तो काम एकदम सिंपल सा ही है जैसे अभी हम कर रहे थे, पूरा वही काम, खाली टेल बदल गई है, μ1 हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखेंगे
नॉट इक्वल टू म्यू टू, जिसे कह सकते हैं हम दैट इज टू टेल्ड टेस्ट। ठीक है, काम करने का तरीका भी वही है, फॉर्मूला भी वही है, खाली स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला थोड़ी बदलेगी, एस की जगह पे हम लिखेंगे सिग्मा। ठीक है, 72.4 - 73.9 दैट इज 1.5 होगा। ठीक है, चेक करना है तो कर लेते हैं, 73.9 - 72.4 यस इट इज 1.5। थोड़ा सा स्क्वायर निकालने में, स्क्वायर रूट निकालने में ध्यान रखना है, बाकी सम एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई कष्ट नहीं होता इसमें। तो स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख रहे हैं सिग्मा 1 का स्क्वायर अपॉन एन 1, सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन एन 2। सिग्मा दिया है उन्होंने बाय डिफॉल्ट, इस वजह से 14.8 का स्क्वायर अपॉन एन 1, एन 1 यानी 100, देन 17.9 का स्क्वायर अपॉन एन 2, एन 2 यानी 200। हम सीधा स्क्वायर करके डिवाइड करके लिखते हैं, 14.8 इंटू करते हैं डिवाइडेड बाय 100, अब वैसे 100 डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं होती, 2.1904 पहले का आंसर आया डिवाइड करके, दूसरे में 17.9 मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय 200, सो दैट इज़ 1.60205। ठीक है, सो प्लस करते हैं 2.1904 एंड आंसर जो आ रहा है, टोटल जो आ रहा है अल्टीमेटली दैट इज 3.79245 एंड इसका सीधा निकालेंगे हम स्क्वायर रूट एंड दैट इज 1.9474। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर हमें मिल रही है 1.9474। अब हम रेडी है, हमारी वैल्यूज भी रेडी है, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 1.9474। रुख बदल लिया है कश्तियों ने, आई मीन आंसर जो है आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो, 0.77 आ रहा है। क्यों रुख बदला ऐसा हम कह रहे हैं, एक तो नया हिस्सा है, 10% लेवल आया, वैल्यू मगर नहीं बदल रही है, टू टेल में 1.645 है, मगर जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी है, ना समझ में आए तो आगे भी कह चुका हूँ, आज के लेक्चर में एक बार फिर से कहूँगा, दोनों वैल्यू को कंपेयर करो, जो साइन आए वो लिखो, लेस देन इक्वल टू आए तो हम कह सकते हैं एच जीरो इज एक्सेप्टेड, और अगर ग्रेटर देन जीरो आए तो नेचुरली कहेंगे हम रिजेक्टेड। ठीक है, और कंक्लूजन वाइज सीधा हम लिखते हैं, जब एक्सेप्ट हो तो हम कहते हैं पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिख देना है तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, तो पॉपुलेशन मीन्स जो है वो हम कह चुके हैं दोनों कैसे हैं इक्वल। तो पहला सम वन टेल वाला था, दूसरा नया क्या आया, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 वाला पार्ट यहाँ पे हमें नया ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और अब एक और हम छोटा सा सम देखने वाले हैं जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो वैसे इलुस्ट्रेशन की तरफ अगर जाते हैं थोड़ा सा इधर ही, तो इलुस्ट्रेशन नंबर आज जो होमवर्क में आपको मैं देने वाला हूँ वो इलुस्ट्रेशन नंबर होगा 13। ठीक है, 13 नंबर का इलुस्ट्रेशन, क्योंकि वो वन टेल टेस्ट वाला सम हमें दिया गया है। ठीक है, और अब जो हम सम देखने वाले हैं दैट इज सम नंबर 5। अगेन एक छोटा सा ही एग्जाम्पल है टू टेल्ड टेस्ट वाला, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। सो सम नंबर 5, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन फैक्ट्री देर आर टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग द सेम आइटम, द एवरेज वेट इन सैंपल ऑफ 250 आइटम्स प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्रोसेस इज फाउंड टू बी 120 grams विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन 12 grams। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं N1 यानी 250 दिया गया है, उसी तरह से X1 बार एवरेज वैल्यू है 120 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी S1 12 है। दूसरे डेटा के लिए कह सकते हैं N2 जो है वो है 400 आइटम्स है हमारे पास। ठीक है, और उसके डेटा के हिसाब से हमें मिला है मीन X2 बार दैट इज 124 एंड S2 इज इक्वल टू 14। इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वेट सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ऐसा है उनका क्वेश्चन। ठीक है, प्रोसेस वही है, प्रैक्टिस का ही काम है मेजर। सबसे पहले H0 लिखना है,
म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू। एच वन में हमें यहाँ पे इज देर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस ही पूछा है, मोर देन लेस देन कंपेरेटिव कुछ भी दिया जाए तो ही वन टेल टेस्ट होगा, याद रखना है, अदरवाइज टू टेल टेस्ट। ठीक है, सो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे टू टेल्ड टेस्ट। प्रोसेस पूरी वही है, उसी तरह से हमें पूरा काम करना है। सो आज हमारी ये दूसरी मेथड कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम सीधा दिवाली के बाद ऑफलाइन में मिलेंगे। तीसरी मेथड जो है उसके एक्सरसाइज में कोई सम दिए नहीं है, उसमें इलुस्ट्रेशन ही है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हम अभी देख लेते हैं इलुस्ट्रेशन में। तो अब सबसे पहले काम करना है हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, ठीक है, यानी एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार। हमारी इस बुक में वो डिफरेंस बिटवीन टू एस टी के सम नहीं है, मगर दूसरी रेफरेंस बुक्स है उसमें से हम एक दो एक्स्ट्रा सम करवाएंगे बाद में जब ऑफलाइन मोड स्टार्ट होगा तब। सो ऐसा नहीं है कि हमारा तीसरा मेथड जो है, हमारी तीसरी मेथड आएगी ही नहीं। डिफरेंस की वैल्यू मिली 4, स्टैंडर्ड एरर हमें मिल रहा है x1 बार माइनस x2 बार। सो मेथड सेम है, एग्जांपल भी सेम है, थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन करना होता है कि डेटा क्या दिया है, कैसे दिया है, वो आप ऑब्जर्व कैसे करते हो, बस बाकी तो सब सिंपल ही रहता है। s1 यानी 12 का स्क्वायर अपॉन n1, n1 यानी 250, s2 यानी 14 का स्क्वायर एंड n2 यानी 400। ठीक है, सो स्क्वायर्स जो है वो इजी है, सीधा करके हम आंसर ही लिख देते हैं कैलकुलेटर जी की हेल्प से। सो 144 होगा डिवाइडेड बाय 250, सो 0.576। 14 का स्क्वायर होगा 196 एंड उसे डिवाइड करना है 400 से और वो मिलेगा 0.49। सो 0.49 प्लस 0.576, ठीक है, तो टोटल करते हैं तो इट इज़ 1.066 और इसका सीधा स्क्वायर रूट निकाले तो हमें मिलेगी हमारी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू और ये जो आंसर है वो है 1.03247। ठीक है, यानी 32 हम अगर 5 लिख दे तो भी चलेगा। सो काम एकदम सिंपल ही है, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर रेडी है। तो अब हम फाइंड करेंगे हमारा जेड कैलकुलेटेड। तो अब तक तो आपको पूरी मेथड याद आ गई होगी, मैं याद इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर वो गुजरात यूनिवर्सिटी के ही है तो प्रॉब्लम ज़्यादातर होता नहीं है, ये पार्ट याद आ ही गया होगा। 4 डिवाइडेड बाय 1.0325, सो सीधा डिवाइड करते हैं 1.0325 और हमें मिल रहा है 3.87। जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू हमें मिली 3.87। सो विदाउट एनी हेजिटेशन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम कह सकते हैं फॉर टू टेल्ड टेस्ट जेड टेब्यूलेटेड इज अगेन 1.96 एंड कंपेयर करते ही हम कहेंगे ग्रेटर देन है, देयरफॉर एच जीरो इज रिजेक्टेड। और जब भी टू टेल टेस्ट हो तो हम सिंपली कह देते हैं पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल। अगर आपको प्रॉपरली लिखना है तो वो भी मैं समझाता हूँ, अगर आपको समझ में आता है क्वेश्चन के हिसाब से तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन मीन वेट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। ठीक है, तो वही पार्ट हमें ऑब्जर्व करना है, थोड़ा यहाँ पे ऊपर लिखते हैं एच जीरो रिजेक्ट होता है यहाँ पे हमारा एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल। आप कह सकते हो मीन वेट ऑफ टू पॉपुलेशंस आर नॉट इक्वल, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ओह, खास थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे 5% नहीं, उन्होंने बोला हुआ है 1%, फर्क थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू जेड में पड़ेगा, अगर देखा नहीं होता तो गड़बड़ हो जाती, आंसर सही होता मगर गलत वैल्यू लो तो मार्क्स काट सकते हैं। ठीक है, तो गलती से मिस्टेक हुई है, फिर भी आपको ये खास ध्यान रखना है 1% बताया था और टू टेल के लिए 1% में वैल्यू होती है 1.645। ठीक है, ये करेक्ट करना खास 1% में ये वैल्यू वाला पार्ट, स्टिल इट इज़ ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन होने की वजह से अगेन ये क्या होगा रिजेक्टेड। ठीक है, तो
तो ऑलमोस्ट हमारे 7 एग्जांपल्स में से ऑलमोस्ट 4-5 तो हम कर ही चुके हैं। दूसरा नंबर का सम और 7वें नंबर का सम हम होमवर्क में दे चुके हैं, आपको रेगुलरली जो काम दिया गया है वो करना है। अब तीसरी मेथड है, फिलहाल अगर आपको ऑब्जर्व करना है, बाकी तो ये मैं मेथड करवाऊंगा ऑफलाइन लेक्चर्स में। तीसरी मेथड में बोला हुआ है पेज नंबर 26 पे आ जाइए, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशन। फ़र्क खाली क्या है, फ़र्क स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला का है और डिफरेंस की फॉर्मूला, ठीक है। तो डिफरेंस की फॉर्मूला आप देख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन टू मीन था तो हम लिखते थे x1 bar - x2 bar, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है तो लिखा हुआ है s1 - s2, ठीक है। फिर यहाँ पे s1² / n1 होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन में s1² / 2n1 + s2² / 2n2 है। क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा, तो इलुस्ट्रेशन नंबर 14 है, होमवर्क में मैं ज़रूर दे रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि वही का वही मैं अभी करवाऊंगा नहीं। क्वेश्चन पूरा यही होगा, सेम यही n1 x1 bar s1 n2 x2 bar s2, देख सकते हो आप अंदर दिया गया है। फ़र्क कहाँ होगा, लास्ट लाइन में देखो, टेस्ट वेदर द डिफरेंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट, यानी SD के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो हमें यूज़ करनी है मेथड नंबर 3। फिलहाल एक ही इलुस्ट्रेशन है, आप कॉपी करोगे वैसे हो जाएगा, नॉर्मल है, फिर बाकी का काम जो है वो मैं रेगुलर लेक्चर में ही करवाऊंगा, तब हम देख पाएंगे, ठीक है। तो होमवर्क में आपको करना क्या है, आज का जो काम है उसमें ज़्यादातर इलुस्ट्रेशंस ही बचे हैं, एक खाली सम आपको देने वाला हूँ मैं, तो आप करोगे इलुस्ट्रेशन नंबर 13, इलुस्ट्रेशन 14 एंड इकलौता सम जो बाकी रहा है एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। तो इतना काम हम आज के लेक्चर में करेंगे, होमवर्क में आपको करना है। और एज वी नो दैट नेक्स्ट, अब कल से दिवाली के लिए हम वैकेशन देने वाले हैं, ठीक है, तो सीधा ऑफलाइन में लेक्चर का शेड्यूल जो है वो हम आपको कॉल करके ही बताएंगे दिवाली के बाद। तो गेट रेडी फॉर ऑफलाइन लेक्चर, ठीक है, तो यहाँ तक रखने वाले हैं, अच्छे से दिवाली के उत्सव को मनाइए, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू, जय माता जी, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।